मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने आपके अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना और उसके भागों का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि पुष्प जो है वो लैंगिक प्रजनन की अभिक्रिया संपन्न करता है पौधों में, तो उसमें निषेचन पूर्व की संरचनाएं और घटनाएं किस प्रकार होती हैं उसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब यदि जो पौधा है वो लैंगिक निषेचन के लिए तैयार है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कि वो अपने आगे की लैंगिक अभिक्रियाओं को कर सकता है। तो उसमें पहला होता है हार्मोनल परिवर्तन, यानी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसमें इस प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं ताकि पौधे में पुष्पन की क्रिया शुरू हो सके। इस दौरान उसमें संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, अर्थात क्या होता है कि जो पौधा है सबसे पहले वो अपनी कायिक ग्रोथ यानी वेजिटेटिव फेज को पूरा करता है और उसके बाद उसमें संरचनात्मक रूप से परिवर्तित आने लगते हैं, अर्थात उनका जो शीर्षस्थ भाग है वो पुष्पक्रम की रचना करने लगता है। पुष्पक्रम अर्थात इनफ्लोरेसेंस, अर्थात हर पौधे में एक ये विशेषता रहती है और जब हम पौधे को फैमिली वाइज डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं तो इसमें जो पुष्पक्रम है या इनफ्लोरेसेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प किस क्रम में आएंगे इसका जो निर्धारण है वो होता है पुष्पक्रम की रचना के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जब पुष्पक्रम की रचना हो जाती है तो फिर उसमें पुष्पी कलिका यानी बर्ड्स की उपस्थिति चालू हो जाती है और पौधा अपनी नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब एक पौधे में पुष्प आ जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक फ्लावर स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, बाह्य दलपत्र होता है, दलपत्र होता है, इसके बाद उसमें क्या होता है, एंड्रोशियम होता है और गायनोशियम होता है। एंड्रोशियम अर्थात नर जननांग और गायनोशियम अर्थात मादा जननांग की रचना भी उसके अंदर उपस्थित रहती है। तो नर जननांग की यदि हम बात करें तो उस हिस्से को कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर वाला जो पार्ट रहता है किसी भी फ्लावर का, यदि हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि अगर ये फ्लावर है, सपोज दिस इज फ्लावर, और यहाँ पर ये इसके बाह्य दलपत्र और दलपत्रों की हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर उसका गायनोशियम यानी मादा जननांग स्थित रहता है और इसी के बाजू से पुष्पासन से लगे हुए क्या पाए जाते हैं, पोलन सैक पाए जाते हैं। यहाँ पर पोलन सैक उपस्थित रहते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। तो ये जो पोलन सैक है ये क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं और इनको स्टेमन भी कहा जाता है। अब हम एक स्टेमन की रचना को देखें तो वो दो भागों में बटा रहता है। पहला है एंथर अर्थात पराग कोश, और दूसरा है फिलामेंट अर्थात तंतु। ये दो संरचनाएं जो होती हैं ये दोनों मिलकर के स्टेमन अर्थात पुंकेसर की रचना करती हैं और ये जो पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर जननांग कहलाता है। यदि हम इस पुंकेसर का टीएस सेक्शन देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो टीएस सेक्शन में हम देखते हैं कि ये पुंकेसर जो है ये दो पाली में बटा हुआ है और इसके अंदर चार पोलन सैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। चतुष्ट मतलब चार पोलन सैक इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। अब ये पराग कण का निर्माण कैसे होता है, पोलन सैक्स का टीएस देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने, तो यहाँ पर भी अगेन फिर से ये शो हो रहा है कि ये फिलामेंट अर्थात तंतु, ये पराग कोश, और इस पराग कोश में जो द्विपाली संरचना थी चतुष्कोष्ठी पराग कोश की बीजाणु धानी हमें दिखाई दे रही है और इन बीजाणु धानी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, अर्थात बीजाणु या युग्मक का निर्माण करने वाली लघु बीजाणु धानी, और इसका संरचना अभी हम देखेंगे। अब अगर हम इस
इस डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा जो लघु बीजाणुधारी संरचना है, ये पूरा एंथर का टीएस यहाँ पर शो हो रहा है। इस टीएस के अंदर ये वाला तो है, ये जो है ये एज ए कनेक्टिव है, ये वो तंतु का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और बाद में ये जो हमको चार दिखाई दे रही है स्पोरेंजिया, ये मेन चार स्पोरेंजिया है, इनके अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, इन चार अर्थात दो पालित और चतुष्कोष्ठी संरचना है और ये इनको ही हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और इसके अंदर एमएमसी अर्थात, ये वर्ड इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़े, एमएमसी अर्थात माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का अगर ये हम बीजाणुधानी के एक इसका अध्ययन करें, सिर्फ एक बीजाणुधानी का अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि ये बीजाणुधानी जो है, आप यहाँ देखें बच्चों, ऐसे चार प्रकार की परतों से घिरी हुई है। नंबर वन, नंबर टू के बाद अगेन हमारा स्टार्ट हो जाता है नंबर थ्री, और इसके बाद एक और परत स्टार्ट होती है नंबर फोर। इस प्रकार से ये चतुर्स्तरीय संरचना रहती है लघु बीजाणुधानी की, जिसकी हम आगे की स्लाइड में डिटेल अध्ययन करेंगे। और इसके बीच में ही लघु बीजाणु ऊतक उपस्थित रहते हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणु कोशिका उपस्थित रहती है। क्योंकि जो ऊतक होते हैं वो किससे बनते हैं, वो कोशिकाओं से मिलके बनते हैं, तो ये लघु बीजाणु ऊतक की इसमें उपस्थिति रहती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका और भी डिटेल अध्ययन, बीजाणुधानी की संरचना। अब उस लघु बीजाणुधानी की संरचना को एक बार हम पुनः देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लिए ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी। अब इसका अगर हम देखें इसको काट करके कि किस प्रकार में इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो बच्चों इसमें जो पहली लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। आपको इस प्रकार से कोशिकाएं बनाना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, तो ये जो पहली लेयर कहलाती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। और इसके जस्ट नीचे जो दूसरी लेयर हो जाती है वो होती है एंडोथीसियम। ये लेयर कौन सी हो गई? एंडोथीसियम। तो ये लेयर हो गई हमारी एंडोथीसियम। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है और मैं हिंदी में भी इसको लिख दे रही हूँ, तो आपको आसानी जाएगी। तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारी एपिडर्मिस, सेकंड लेयर हो गई हमारी एंडोथीसियम की। और इसके बाद, इसके जस्ट बाद यदि हम देखते हैं बच्चों, तो देखेंगे इसको मैं अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको लेयर में दिक्कत ना जाए इसका विभेदन करने में। तो ये एक या दो कोश की लेयर्ड होती है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मिडिल लेयर, यानी मध्य परत, मिडिल लेयर। और इसके बाद चालू होती है टेपेटम की लेयर। इन चारों जो लेयर हैं कोशिकाओं की, इनका एक अलग महत्व है, यहाँ तक ये टेपेटम थ्री या फोर लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो टेपेटम की फर्स्ट लेयर है, तो इन ये तीनों लेयर और इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है, ये चारों मिलकर के क्या काम करती है? ये पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती है, पराग कणों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ जब पराग कोश का स्फुटन होता है, प्रस्फुटन होता है, अर्थात डेहिसेंस ऑफ एंथर पाया जाता है, तब ये पराग कोश के फटने में मदद करती हैं। तो ये हो गए तीनों लेयर के काम। अब इसमें टेपेटम की जो आंतरिक लेयर है, ये वाली लेयर का महत्व भी है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे साथ में इसमें और कौन सी कोशिका है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशा। इन चारों लेयर के भीतर लघु बीजाणु मात्र कोशा उपस्थित रहती है, ये ही बाद में जाकर के आगे विकसित होकर के पराग कणों का निर्माण करती है।
इसको कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशा, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टकट में MMC। ये पूछा जाता है MMC का फुल फॉर्म क्या है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशा के अंदर परागगणों का विकास होता है, उस बीच में ये जो टेपेटम की लेयर है, टेपेटम की लेयर सघन जीव द्रव्य से भरी हुई होती है, और ये इन लघु बीजाणु मात्र कोशा और इनको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ये डिजॉल्व हो जाती है और इनको पोषण प्रदान करती हैं। तो ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। हमने पढ़ा लघु बीजाणु धानी की संरचना और उसमें ये पढ़ा कि इसमें चार लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, और उस टेपेटम के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। सपोज अगर हम देख लें इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, यहाँ पर चार लेयर स्ट्रक्चर हो गया और इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका जिसको हमने शॉर्टकट में क्या नाम दिया था, MMC। अब ये जो माइक्रोस्पोरिक मदर सेल है, ये जो है ये बाद में जैसे ही इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात इसमें कौन सा डिवीजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में, और ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड बनाती हैं, हैप्लॉइड के टेट्राइड बना लेती हैं। ये इस प्रकार से मैं इसको शो करूंगी। मान लीजिए एक MMC सेल है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या हो रहा, मियोसिस हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या कर ली, ये इसने एक चतुष्क बना लिया यानी एक टेट्राइड बना लिया। अब इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए यदि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर था 2x, तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइडेड 1/4 करें तो कितना हो जाएगा, NN हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेट्राइड बनाया इसने माइक्रोस्कोपिक मदर सेल ने, तो यहाँ पर जो टेट्राइड बनाया यानी चतुष्क बनाया, उसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्क और इंग्लिश में बोलेंगे टेट्राइड। ये इन्होंने बनाया चतुष्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी पॉलन ग्रेन के बनने का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से MMC यानी माइक्रोस्पोरिक मदर सेल डिवाइड होकर के चतुष्क बनाती है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, N, अर्थात आधी हो जाती है अपनी मात्र कोशिका के। इस प्रकार से यह माइक्रोस्कोपिक जो सेल है माइक्रोस्पोरिक वो चतुष्क बनाती है। यहाँ पर इसको डिटेल समझा रही हूँ, ये इनने चतुष्क का निर्माण कर लिया। अब जब ये चतुष्क का निर्माण करती है, उसमें ये जैसे ही पोलन सैक अपना सूखने लगता है, उसके अंदर का वाटरी कंटेंट खत्म होने लगता है, टेपेटम की जो सेल्स है वो क्या होती है, गलने लगती है, तो इनको फ्री नेस वहां मिल जाती है, माइक्रो लघु बीजाणुधानी में एक खाली जगह मिलती है। उस बीच में ये जो चतुष्क है ये चार सेल में डिवाइड हो जाता है, और फिर ये चारों इनके बीच की भित्ति फट जाती है, और यहाँ से ये चारों सेल जो है 1, 2, 3 और 4 चारों अलग अलग हो जाती हैं। यही जो अलग अलग हो जाती हैं सेल, इन्हीं को क्या कहते हैं, पॉलन या पराग कहते हैं। तो ये है पराग। अब इनने क्या बना लिया, पराग कणों का निर्माण कर लिया। आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लघु बीजाणु धानी में हजारों की संख्या में पराग कण पाए जाते हैं। अब इस पराग कण को हम देखें तो पहले यहाँ पर वैक्यूल्स उपस्थित रहते हैं यानी, और साथ ही साथ न्यूक्लियस यानी केंद्रक रहता है यहाँ पर। ये केंद्रक जो होता है अगेन दो भाग में डिवाइड हो जाता है और ये बना लेता है, दो पार्ट इसमें बन जाते हैं, ये पहला पोर्शन हो जाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो जाता है जनरेटिव यानी जननीय केंद्रक हो जाता है, और ये कायिक केंद्रक हो जाता है। इस प्रकार से ये दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और ये क्या बना लेता है, पोलन यानी परागकण का निर्माण कर लेता है। अब इस परागकण को हम क्या करेंगे, देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ परागकण की संरचना, पराग कण संरचना।
राइट बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया किस प्रकार लघु बीजाणु धानी की जो माइक्रोस्पोरिक मदर सेल है वो चतुष्क बनाती है, चतुष्क से फिर बाद में ये चार सेल अलग अलग हो जाती हैं और परागकण बना लेती हैं। अब इस परागकण की संरचना को यदि हम देखें बच्चों, तो आप जो यहाँ पर एक स्पाइनी टाइप की एक लेयर देख रहे हैं और मोटी सी लेयर, ये है एक्साइन अर्थात बाह्य परत, बाह्य चोल भी इसको बोला जाता है। ये बहुत हार्ड होता है और इस पर अम्लों क्षारों का कोई प्रभाव नहीं होता है, बहुत सेफ रहते हैं पोलन इसके अंदर। इसके बाद इसके मध्य में एक पतली सी परत रहती है, इसको कहते हैं इनटाइन या अंतः चोल। आप ये वाले वर्ड याद न करके इस प्रकार के वर्डिंग याद करिए जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। तो पहली परत हो गई एग्जाइन, दूसरी हो गई इनटाइन, और यहाँ पर ही एक जर्म पोर अर्थात क्या करता है, पोलन ट्यूब जो निकलती है उसके लिए एक जर्म पोर यहाँ पर उपस्थित रहता है, इसको कहते हैं जर्म पोर। इसके माध्यम से ही पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। अगेन वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल यहाँ पर उपस्थित रहती है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो ये था हमारे परागकण की संरचना अर्थात लघु बीजाणु की संरचना से लेके परागकण की संरचना तक हमने देखा। पराग कणों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है डेहिसेंस ऑफ एंथर अर्थात पराग को कोश का फटना। किस प्रकार पराग कोश फटता है, तो धीरे धीरे जैसे ही इसमें पोलन ग्रेन या पराग कणों का निर्माण हो जाता है जो कि हजारों की संख्या में होता है, उसके पहले यहाँ पर ये तीनों लेयर जो है जो हमने आपसे चर्चा की ये सब अंदर सिकुड़ने लगती है और इन पर इन पोलन ग्रेन्स का क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है जिसके कारण पराग कोश की जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, फट जाती है और इससे पराग कण जो है वो कम आ जाते हैं। इसको कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर और ये बहुत प्रेशर से होता है ताकि ये वायु में बहुत अच्छे से फैल जाए। आपने कभी देखा, कभी अनुभव किया, जब आप किसी फूल को छूते हैं और यदि आप टच करते हैं और यदि आपको पाउडरी सब्सटेंस आपके हाथ में लगता है तो आप ये समझ जाइए कि इसके परागकण परिपक्व हो चुके और साथ ही साथ वो बाहर निकल चुके हैं अपने स्टैमन से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पर हमने एक बिल्कुल एक मतलब कहना चाहिए आपको साइक्लिक फॉर्म में बताया कि किस प्रकार से एक ये एंथर सेक्शन है या स्टैमन का सेक्शन हमने पढ़ाया पुंकेसर का। तो ये पुंकेसर का टीएस है और इस पुंकेसर के टीएस में किस प्रकार से चारों लघु बीजाणु धानी यहाँ पर उपस्थित है, ये फिलामेंट है, कनेक्टिव है। इसके बाद यहाँ पर कैसे माइक्रोस्पोरोसाइट मियोसिस वन और मियोसिस टू बन करके टेट्राड यानी चतुष्क का निर्माण करती है, जो अंदर की हमारी माइक्रोस्पोरोसाइट यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो किस प्रकार मियोसिस वन और मियोसिस टू के द्वारा चतुष्क का निर्माण करती है। चतुष्क का जैसे ही निर्माण होता है तो क्या बनता है, परागकण का निर्माण होता है, पराग का निर्माण हो जाता है। ये परागकण जो होता है, अगेन इसमें और डिवीजन जो आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे, और फिर वो एक नर युग्मक का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार पूरा एक ही साइकिल है। अब हम देखते हैं कि ये जो परागकण होते हैं ये परागकण पोषण से भरपूर होते हैं अर्थात इसमें बहुत हाई मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, आहार संपूरक संपूरक अर्थात न्यूट्रिटिव कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। तो इन परागकणों को पराग गोलियों या टेबलेट्स में लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में इन पराग उत्पादों को गोलियों एवं सीरप के रूप में बाजारों में बेचा जाता है और ये माना जाता है कि ये खिलाड़ी एवं धावक अश्व यानी घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। तो ये था हमारा लघु बीजाणु जनन। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं कहूंगी आपसे एक बात मुझे कहना है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें, क्योंकि बायो है आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, तो पहले आप एक नोटबुक जरूर नोट करके रखें। भले ही मैं आपको नोट्स दे रही हूँ लेकिन आप मेरी बातों को सुनकर के अपने पॉइंट्स जरूर बनाएं ताकि आप उसको कभी ना भूलेंगे। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट उसमें हम करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।